सब सब चीज का व्यवस्था है, खाने पीने का, रहने का। दो टाइम मिल रहा है, दो टाइम क्या क्या? चावल दाल, चावल दाल सब्जी और की कैसे नाश्ता। भागलपुर की दियारा क्षेत्र को गंगा ने पूरी तरह से अपने आगोश में समा लिया है, जिसके बाद सभी बाढ़ पीड़ित जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए बाढ़ राहत शिविर पहुंच चुके हैं। जिले के हवाई अड्डा परिसर में राहत शिविर के साथ सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है, जहां पर नारायणपुर प्रखंड और नाथनगर प्रखंड के दियारा इलाके के बाढ़ पीड़ितों ने शरण लिया है। शिविर में रह रहे 750 से अधिक परिवार के लोगों को दो समय भरपेट भोजन की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्वनी ने। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिले के 16 में से 15 प्रखंड पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। सभी प्रखंड के लोग बाढ़ राहत शिविर में पहुंच रहे हैं, जो जिला प्रशासन के तरफ से लगाया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के हवाई अड्डा परिसर में। यहाँ पर बाढ़ राहत शिविर लगाया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, जहाँ नारायणपुर प्रखंड और नाथनगर प्रखंड के लोग जो हैं यहाँ पर रह रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर राहत शिविर के साथ सामुदायिक किचन की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जिसका आनंद यहाँ के लोग जो हैं 750 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं। सभी लोगों को यहाँ पर दो समय भोजन दिया जा रहा है। भोजन का समय 10 से 2 बजे तक रखा गया है दिन में, और रात में 7 से 10 बजे तक दो समय भोजन दिया जा रहा है। सब सब चीज का व्यवस्था है, खाने पीने का, रहने का, सब चीज का व्यवस्था है। दो टाइम खाना मिल रहा है, दो टाइम मिलता है खाना। क्या क्या मिलता है? चावल दाल, दोनों बेरा चावल दाल मिलता है। सब्जी नहीं मिले? सब्जी मिलता है कि मिलता है। चावल दाल सब्जी, ये कितना सामान मिलता है? भरपेट मिल रहा है ना, मना नहीं होता है? कुछ नहीं मना होता है, तो मिलबे करता है, लेकिन करवा तेल ऊपर से सब्जी में मिलाता है। एक जगह कहाँ से है? हम है अमरी बिशनपुर, नारायणपुर प्रखंड से है। यहाँ कब आए? आना हो गया 5-6 रोज। कैसे रह रहे हैं, रहने का क्या व्यवस्था है? पन्नी है, पन्नी टंग कर रहे हैं, पन्नी टंग करके रहते हैं। अपने से या सरकारी मिला है? सरकारी मिला है, मिला है। सब चीज का व्यवस्था है। क्या क्या है? खाना पीना और रहना, खाना पीना और रहने का व्यवस्था। कई काम भोजन मिल रहा है? दो टाइम मिल रहा है, दो टाइम। क्या क्या? चावल दाल, चावल दाल सब्जी और की कैसे नाश्ता। सोते हैं, पंडाल दिया है, दिया है पंडाल। हाँ, व्यवस्था बढ़िया है। हाँ, दवाई वाई मिलता है, देखने के लिए आते हैं डॉक्टर? हाँ, दवाई जय पंडाल में रहते हैं ना, उसी जगह दवाई है। कहाँ से? हाँ, कहाँ से? उधर से। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं की कैसे अति नूरदीपुर दुधेला अमरी बिशनपुर दुधेला। द्वारा व्यवस्था की बात करें तो वो भी सही है व्यवस्था यहाँ पर, और जो भी लोग भोजन कर रहे हैं वो भोजन की भी सराहना कर रहे हैं, और जो रहने की व्यवस्था, साथ ही साथ मेडिकल टीम की जो व्यवस्था की गई है और भी जो यहाँ पर जो कार्य होने चाहिए उसकी भी प्रशंसा ये लोग कर रहे हैं। अमूमन हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि जिला प्रशासन द्वारा जो राहत शिविर में व्यवस्था की गई है, सामुदायिक किचन की जो व्यवस्था की गई है, वो पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, और जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। थाना यहाँ पर आकर मॉनिटरिंग करती है, और खुद अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी आकर मॉनिटरिंग करते हैं, ताकि किसी को कोई कमी हो तो उन तक व्यवस्था की जाए, भोजन की भी जो कमी ना हो, और साथ ही मेडिकल जो जो व्यवस्था है वो भी कमी ना रहे। वैक्सीनेशन भी शिविर में करवाया जा रहा है, ताकि सभी लोग वैक्सीनेट हो जाएं और कोरोना का भी खतरा ना हो। अश्वनी कुमार, बिग न्यूज़, भागलपुर। बेसिकली नारायणपुर प्रखंड के और शंकरपुर दियारा नाथनगर प्रखंड के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, पूरे परिवार के साथ, बच्चे उच्चे के साथ भी आए हैं, और लगभग 750 परिवार लगभग यहाँ पर रह रहे हैं, और कल भी कुछ परिवार आए थे, आज भी कुछ परिवार रंगा चौक से भी आए, और लगभग 2500 पशु भी लोग यहाँ शरण लिए हुए हैं, और उन लोग के दो टाइम खाने की व्यवस्था हम लोगों ने किया है, सुबह में 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, और फिर शाम में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक खाने की व्यवस्था में दो टाइम है। बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था है,
उनके पढ़ाई के लिए आंगनबाड़ी चल रहा है केंद्र, यहाँ पे पढ़ाने की व्यवस्था की गई है उन लोग को, और यहाँ पर मेडिकल टीम भी बैठी हुई है जो कि जो है बच्चे उनको वैक्सीनेशन का भी काम हो रहा है, और जो मेडिकल के उन लोग को फैसिलिटीज जो देना चाहिए दिया जा रहा है, और लगभग पशु शेड भी बना हुआ है, पशु के लिए भी चारा का वितरण किया जा रहा है, और पशु के देखभाल के लिए डॉक्टर की टीम भी बैठी हुई है। अगर कोई उस तरह का कोई आदमी है जिसका पशु बीमार है तो वहाँ से दवा ले सकते हैं वहाँ से, और यही सब व्यवस्था है। खाने की मेन्यू क्या है? खाने के मेन्यू में चावल दाल और सब्जी। रात की सिक्योरिटी के लिए क्या व्यवस्था की गई है? नहीं, चारों ओर एयरपोर्ट चारों ओर से बंद है, कहीं से खुला तो है नहीं, चारों ओर बंद है, और लोकल जो तिलकावादी थाना है वो बार बार पेट्रोलिंग आके एक बार कर जाते हैं, यहाँ पे देख जाते हैं, और एक टीम भी उनका है यहाँ पर कैंप। कोविड को लेकर किस तरह से? कोविड के लेकर तो कोशिश तो कर रहा है लोग, जहाँ हम लोग भी लगा के रखे हैं कि भाई मास्क का उपयोग कीजिए, लेकिन गांव देहात के लोग हैं थोड़ा दिक्कत तो है उसमें, उन लोगों को समझाने के बाद भी उतना मेंटेन नहीं हो पा रहा है।